तेरे साधु कई दिनों से भूखा है, प्यारे द्वार पर खड़ा हुआ भिक्षा मांग रहा है, कुछ खाने को दे भाई। ये जो साधु द्वार पर आया है, मुझे स्मरण आया कि दोपहर के भोजन के बाद कुछ फल कुटिया में रखे हुए हैं, जो उस मृग के चक्कर में आकर अभी तक किसी ने छुए तक भी नहीं है। जो भी इस समय मेरी कुटिया में विद्यमान है, मैं वह आपको भिक्षा स्वरूप देती हूँ। आप आइए और इसको ग्रहण कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि जिस उद्देश्य को लेकर हम वन में आए हैं, वे हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाए। और मेरे स्वामी और देवर जो शिकार के लिए गए हैं, वे सहज कुशल कुटिया में वापस आ जाए। ये माया हो सकती है या किसी योगी का सत हो सकता है, या सीता खुद एक महाशक्ति है, ये इसका भी योग हो सकता है, इसकी भी ये शक्ति हो सकती है। अगर तुझ रेखा का उल्लंघन करता है तो होना हो कि सीता के हरने से पहले तेरा ही हनन हो जाए। हे देवी, अगर तुम्हें भिक्षा देनी है तो उस रेखा से बाहर आकर के भिक्षा दो, क्योंकि बाबा पति भिक्षा नहीं लेता। अगर भिक्षा देनी है तो रेखा से बाहर आओ देवी। मैं इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि यह मेरे देवर लक्ष्मण की यान है, इसे मैं छोड़कर बाहर नहीं आ सकती। हे देवी, तुम अपने देवर की यान मत तोड़ो, तो बाबा भी बनी भिक्षा नहीं देगा, नहीं देगा। बाबा जोगी की है ये सदा, बाबा धन हर के हे सदा बाबा। रुको बाबा, रुको, ठहरो बाबा। यदि कोई भूखा जोगी द्वार पर आकर वापस जाता है तो बड़ा पाप लगता है, चाहे आज लक्ष्मण देवर की आन रहे या ना रहे, लेकिन मैं स्त्री धर्म को भली भांति से निभाऊंगी और इस योगी को भिक्षा दूंगी। आगे आओ और आगे आओ। आपको नमन के पंजे में है।
जंगल में से कोई खाना मांग रहा है। तू यहाँ क्या करने आया है? सीधे मैं लंका बनी जा रहा हूँ। मैं भी देखती हूँ तू मुझे कैद में कैसे रखता। स्वामी सीधे किसी को पुकार भैया लक्ष्मण मेरी सहायता करो। मैं एकदम चल गया।